हिमाचल में बेकाबू होने लगा कोरोना। एक्टिव केस 4000 के करीब पहुंचे। कांगड़ा में सबसे ज्यादा मरीज। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तो एक्टिव केस 4000 के करीब पहुंचने को है। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना जांच के लिए 4711 सैंपल लिए गए, जिनमें से संक्रमण के रिकॉर्ड 751 नए मामले आए हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण दर 15.94% दर्ज की गई है। 413 संक्रमित कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। इससे पहले 8 फरवरी को कोरोना के 762 मामले आए थे। इसके बाद अब सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। हिमाचल हाई कोर्ट कुल्लू के शमशी स्कूल में बच्चों से पिटाई मामले में हाई कोर्ट तल्ख। कुल्लू जिले की राजकीय माध्यमिक पाठशाला शमशी में 30 बच्चों की पिटाई के मामले में हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। अब हाई कोर्ट ने शमशी स्कूल प्रभारी और अध्यापिका का रिकॉर्ड प्रारंभिक शिक्षा विभाग से तलब किया है। हालांकि शिमला निदेशालय ने पहले ही लापरवाही बरतने पर दोनों को चार्जशीट किया है, लेकिन अब मामले में हाई कोर्ट की ओर से संज्ञान लेने के बाद दोनों पर गाज गिरना तय है। हिमाचल आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलेगा मीठा, नमकीन, दलिया और खिचड़ी। नैनीहालों को अब आंगनबाड़ी केंद्रों में मीठा, नमकीन, दलिया और खिचड़ी भी मिलेगी। प्रदेश के 4 जिलों सिरमौर, ऊना, शिमला और कांगड़ा में अक्टूबर से पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इसे शुरू किया जा रहा है। एचपी मिल्क फेडरेशन की ओर से तैयार खाद्य उत्पाद आंगनबाड़ी केंद्रों में बांटे जाएंगे। इस मुहिम को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने पर अन्य जिलों में भी योजना को शुरू किया जाएगा। अंकित के चाचा बोले, बकरी की तरह हलाल किया मेरा भतीजा, पिता ने मांगी मौत की सजा। बिलासपुर के सम्मोह पंचायत में युवक की निर्मम हत्या मामले में पुलिस ने शुक्रवार को एक ही परिवार के 5 लोगों को संदेह के आधार पर पुलिस थाना में तलब किया है। पुलिस अब तक 10 लोगों से पूछताछ कर चुकी है और अब शक की सुई एक ठिकाने पर आकर रुक गई है। पुलिस ने बताया कि उन्हें उक्त परिवार के कमरे से खून के दाग भी मिले हैं और जिनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्दी हथियारों से पर्दा उठेगा। अंकित के चाचा ने नम आंखों से कहा कि उन्होंने शुक्रवार सुबह अपने भतीजे के गायब शव को ढूंढ निकाला है। शव को 3 टुकड़ों में काटा गया है। चाचा ने आरोप लगाया है कि मेरे भतीजे को पड़ोस की महिला ने फोन पर बुलाया और फिर साजिश के तहत उसके घर में बकरे काटने वाले हथियार से हत्या कर दी। हथियारों की मौत की सजा दी जाए। पिता अंकित के पिता रमेश कुमार ने कहा कि मेरे बेटे को हत्यारा ने तड़पा कर मारा है। ऐसे क्रूर अपराधी की सजा भी मौत हो। मेरी सरकार व पुलिस से फरियाद है कि अपराधी को मौत की सजा दी जाए।